चलिए अब इसी में अब आगे बढ़ा जाए ना, वेक्टर को और समझते हैं गहराई से, ठीक है ना। वेक्टर को समझते हैं और बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेक्टर ना, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज सब जानेंगे हम बारी बारी से, ठीक है ना। तो देखो अपने को एकदम आराम से पढ़ाई करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, सब कुछ आपको समझ आएगा, ठीक है ना। देखो इसके पहले आपको हम देखो नोट्स के लिए आप परेशान ना हुआ करिए कि नोट्स नहीं दे रहे हैं आप। देखिए जो आपको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे वीडियो बना बना के, सिर्फ आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, आप वो पढ़िए और एक कोई किताब ले लीजिए बढ़िया से किताब, है ना। तो एक किताब आता है फिजिक्स के लिए, नाम बता दे उसका, उसका नाम है HC वर्मा। आप उनका किताब भी पढ़िए, है ना। किताब का नाम है, ये इनके ऑथर है, किताब का नाम है भौतिकी की समझ, भौतिकी, है ना। ये हिंदी में आता है, ये भौतिकी, ये नया नया वर्जन आया है ना। तो अब बाकी वीडियो यहाँ से देखिए आप, समझिए, और बाकी आप लेकिन नोट्स के पीछे आप मत जाइए, हम बोलने का आप किताब पढ़िए अभी 11 में, सही ना। आप एकदम मन से किताब पढ़िए, और जो यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, जो आपको किताब से नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ से पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। तो किताब पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आप किताब पढ़िए और देखिए वीडियो, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये इसका इंग्लिश में आता है, ठीक है। अब ये किताब पढ़िए, ये तो इसी में आगे बढ़ते हैं ना, फिजिक्स में, क्या वेक्टर में। देखो वेक्टर में आपको हम बताए थे कि वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास उसका परिमाण हो, उसका अपना मैग्नीट्यूड हो, है ना। देखो मैग्नीट्यूड को हम मॉड बोलेंगे, ठीक है ना, इतना लंबा नहीं बोलेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब कि इसको मॉड बोलेंगे, इसका मतलब होता है कि परिमाण, है ना, कितना उसका मान है, कितना वैल्यू उसका है ना। मतलब कि ऐसे 2 मीटर की, 4 मीटर ऐसे होता है ना फोर्स में, 10 न्यूटन की, 20 न्यूटन, तो जो 10 20 ऐसे आ रहा है ना वो उसका परिमाण है, ठीक है, जो नंबर में आता है ना। तो ये ऐसा हम इसको मॉड बोलेंगे, ठीक है, मॉड, है ना, ये इतना लंबा नहीं बोलेंगे हम, मॉड बोलेंगे, इसका वैल्यू बोलेंगे हम, ठीक है ना। देखो तो पीछे आपको बताया थे हम कि फोर्स जो होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसके पास दोनों दिशा भी है, उसका मॉड भी है, मतलब कि ये परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आगे देखा जाए कि उसको कैसे हम शो करते हैं वेक्टर को मैथमेटिकली, तो एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना, उसको बोलते हैं, पेन दिखाई दे रहा है ना, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको, रेखाखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, रेखा रेखाखंड, खंड, ठीक है। तो देखो इसको हम ऐसे शो करते हैं कि ये इसको शो करते हैं ऐसे, ये ऐसी लाइन होती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन ये शो करता है कि उसका कितना वैल्यू है, कितना उसका मॉड है, ठीक है, कितना मान है, मतलब कि 2 है कि 5 है कि 10 है कि 20 है, ऐसे, ठीक है ना। और उसके ऊपर अगर तीर लग गया ना इधर, तो मतलब कि ये इधर की ओर लग रहा है, ये तीर शो करता है कि उसका दिशा है, वो डायरेक्शन, फिर इधर लग गया तो इसका मतलब ये इधर की ओर लग रहा है, उसका वैल्यू इतना है, उसका वैल्यू इतना है, और वो इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये तीर लग गया ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर लग रहा है, जो ये फोर्स है, चाहे उसका विस्थापन है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, ठीक है, ये ऐसे। तो कहने का मतलब है कि जो तीर होता है ना, जो ऊपर तीर लगाए हम एरो, वो शो करता है उस वेक्टर का डायरेक्शन, और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो उसकी लंबाई होती है,
ठीक है ना, ये वो शो करता है कि कितना उसका वैल्यू है। तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई खास नहीं होता है कि मतलब 2 मीटर के लिए इतना हम खींचेंगे, फिर 3 के लिए इतना खींचेंगे, 5 के लिए इतना खींचेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर सवाल में दिया है कि आपके पास 2 मीटर उसका विस्थापन हुआ है, ऐसे देखिए 2 न्यूटन का फोर्स लगा है और 3 न्यूटन का लगा फोर्स, तो आपको मालूम है कि 2 छोटा है 3 से, तो उसको ऐसे ऐसे बना देंगे कि 2 थोड़ा छोटा होगा और 3 थोड़ा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, ठीक है ना। और तीर तो सेम ही रहेगा, तीर लगता है उसके हिसाब से कि किधर का फोर्स लग रहा है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा कि ऐसे 2 मीटर के लिए इतना लंबा बनाते हैं, 3 के लिए इतना बनाते हैं, 10 के लिए इतना बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब होता है सापेक्ष में होता है वो, मतलब तो उसके कंपैरिजन में, कि अगर 2 राशियां दी गई हैं, दोनों वेक्टर ही हैं, चाहे 3 दी गई हैं, चाहे 4 दी गई हैं, तो उसके हिसाब से कि अगर हम 2 को इतना बना रहे हैं तो 3 को थोड़ा ऐसा बड़ा बना देंगे, हम ऐसे बना देंगे, 4 को थोड़ा और बड़ा बना देंगे, 10 को और बड़ा बना देंगे, ऐसे, ठीक है, सवाल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ना कि ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है लंबाई, वो शो करता है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है, कितना उसका मॉड है, जो उसमें तीर लग जाता है, चाहे तीर इधर की ओर लगे चाहे इधर की ओर लगे, अगर अगर ये तो हो गया ना, चाहे तीर इधर की ओर लगे चाहे तीर इधर की ओर लगे, चाहे ऐसे तीर लग जाए, ठीक है। तो मतलब कि फोर्स इधर क्यों लग रहा है, देखो फोर्स का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बार बार, क्योंकि फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अधिकांश फोर्स का एग्जाम्पल लेंगे, हम फोर्स का लेंगे चाहे विस्थापन का लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो फोर्स का हम अधिक अधिक एग्जाम्पल लेंगे, तो फोर्स यहाँ पे उसका जो वैल्यू की कुछ कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो 50 न्यूटन हो, किधर की ओर लग रहा है तो इधर की ओर लग रहा है ना, इधर की ओर, ठीक है ना। यहाँ पे जिसको मान लेते हैं कि 55 न्यूटन है, थोड़ा सा बड़ा है ये ना, इससे ये जो लंबाई थोड़ी सी बड़ी है, तो उसको 55 मान ली, और किधर की ओर लग रही है, इधर की ओर लग रही है ना, इधर फोर्स, ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें आप एक और देख लीजिए कि दिशा कैसे शो करते हैं, इसमें बताते हैं, लेकिन जब सवाल में आपको आ जाए ना कि मतलब ये आदमी पूरब की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर गया, ऐसे फिर नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, ऐसे सवाल में अगर आता है, तो आप पहले ऐसे उसको बना लीजिएगा, ऐसे ठीक है, लाइन खींच के, लेकिन इधर हम ईस्ट मानते हैं, इधर हम वेस्ट मानते हैं, इधर नॉर्थ मानते हैं, इधर हम साउथ मानते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपको सवाल मिले ना कि मतलब ये इंसान पूरब की ओर इतना गया, तो ठीक है ना, तो ये आप बना के फिर आप सवाल करिएगा कि पूरब की ओर शुरू, यहाँ से शुरू हुआ, 1 मिनट, यहाँ से शुरू किया, फिर पूरब की ओर इधर गया, ठीक है ना, फिर वो दक्षिण की ओर पीछे आ गया, वो साउथ की ओर आ गया, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ठीक है ना, ऐसे सवाल आता है, तो ये देख देखिए आप कि साउथ किधर है, इधर हम लिए हैं, फिर नॉर्थ को हम इधर माने हैं, ईस्ट को हम इधर माने हैं ना, पूरब को इधर माने हैं, पश्चिम को हम इधर माने हैं, तो उसके हिसाब से आप सवाल करिएगा, ठीक है। ये देख देख के पहले आप इसको एक बार बना लीजिएगा अपने बगल में अपने पेपर पे, फिर उसके हिसाब से देख देख के सवाल करिएगा, ठीक है ना। तो ये बताना था, देखिए ऐसे हम बोल दें कि देखो ऐसे हम बना दें, ये बना हुआ है, और हम बोले कि हम 5 5 न्यूटन का हम बल लगाए नॉर्थ की ओर, है ना, उत्तर की ओर, ठीक है ना। ऐसे होगा वो नॉर्थ का, ऐसे कर लीजिए कितना बल लगाया, 5 ना 5 न्यूटन, ये मात्रक होता है ना, न्यूटन तो मात्रक होता है फोर्स का, है ना, और क्या होता है मात्रक फोर्स का, फोर्स बराबर क्या होता है, आपको पीछे हम पढ़ाए थे ना भाई, मात्रक निकालते हैं इसका, मास का होता है केजी में नापते हैं हम एसआई पद्धति में, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो गया, तो आप ये लिखिए या फिर आप ये लिखिए, है ना, 1 न्यूटन बराबर होता है 1
दिखाई दे रहा है ना, 1 kg मीटर सेकंड का पावर -2 ऐसे होता है ना। तो एसआई पद्धति में ये भी इसके बराबर होता है, आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो सवाल में ऐसे अगर आ गया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना, हम बोलते कि वो उत्तर की ओर लगाया है, उत्तर की ओर, ठीक है ना। न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ है ना, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो आप ऐसे ऐसे मतलब अपने हिसाब से 5 मीटर के लिए आपको लाइन खींच दीजिए, ऐसे ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। और नॉर्थ ऊपर होता है, उत्तर को हम इसमें देखिए नॉर्थ को ऊपर दिखाया ना, ऐसे ऐसे दिखाया है, ठीक है। फिर यहाँ का आप एक तीर लगा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और किधर लगा है, उत्तर की ओर, ठीक है ना। तो फोर्स हो गया ना वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास इसका वैल्यू भी है ये 5 न्यूटन, उसका उसकी दिशा भी है, डायरेक्शन भी है नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। तो मॉड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, उसी को तो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। देखो इसमें एक और होता है कि वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं ना जो जो भी मतलब वो त्रिभुज नियम का भी वो फॉलो करे, है ना। वेक्टर क्वांटिटी उसके पास दिशा तो हो ही, मॉड भी हो, और वो वेक्टर क्वांटिटी शुड आल्सो फॉलो ट्राइंगुलर रूल होता है, वो एक वेक्टर में आता है, वो जोड़ने का नियम होता है, वो भी आपको हम अभी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। ट्राइंगुलर रूल, तो उसके पास दिशा भी होनी चाहिए, उसके पास मॉड तो होगा ही, और वो भी वो इस रूल को ही फॉलो करे, ट्राइंगुलर रूल को, इसको बोलते हैं त्रिभुज त्रिभुज नियम। ये क्या होता है आपको बताएंगे अभी हम आगे की वीडियो में, आगे के मतलब जो जैसे वीडियो बड़ी आगे बढ़ेगा, त्रिभुज नियम। तो जो इसको फॉलो करता है वो भी वेक्टर होता है, इसको मतलब फॉलो करना मस्ट है उसको, है ना। अब देखो इसे आप एक और देखिए, ये समझ आ गया ना कि कैसे शो करते हैं हम लाइन से। इसे में एक और बना दें हम, देखिए ये देखिए ये हम बना दिए नॉर्थ, है ना, ये हो गया ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट ना। तो जो बीच का होता है ना, जो बीच जो दिशा होता है ठीक, जो इनके बीच से क्रॉस होता है ऐसे, यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, आपको दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ 90, इसे बीच से क्रॉस करा दीजिए ठीक बीचों बीच से, तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री, ठीक है ना। और ये जो दिशा होगा ना जो बीच से निकला है नॉर्थ के और ईस्ट के, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ना, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से जो निकलेगा ईस्ट के और साउथ के ठीक बीचों बीच, है ना, इसको बोलते हैं ईस्ट साउथ। तो यहाँ से जो निकलेगा इसके बीच से साउथ और वेस्ट के, तो साउथ वेस्ट। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ से जो निकलेगा ठीक है ना वेस्ट नॉर्थ, ये भी जो एंगल होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी दिशा होती है, ऐसे ऐसे भी शो करना होता है हमको। सवाल में ये भी आता है कि एक आदमी यहाँ से शुरू किया, फिर वो इस दिशा में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया वो, फिर वहाँ से वो नॉर्थ मुड़ गया, फिर साउथ मुड़ गया, ऐसे सवाल आता है आपको। क्या क्या करना है आपको, पहले आपको ये एक बार अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आप सवाल करेंगे, है ना।